हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय जयसी ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का ब्लॉग में हम करने वाले हैं होम टूर। तो ये जो पीछे घर देख रहे हैं, ये है मेरे हस्बैंड का पुराना घर, यानी कि बचपन में ये लोग यहीं पर रहते थे, उनके दादाजी का घर है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम सोचे कि चलो होम टूर करा देते हैं। तो ये पीछे उन्हीं का घर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सामने से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है मेन गेट, मेन गेट के सामने है रोड, उसके बाद में इधर है कुछ कमरा, बहुत ज़्यादा रूम है और बहुत बड़ा घर है। तो ये यहाँ से हम लोग जाते हैं अंदर, और ये है बड़ा सा आंगन, यहीं पर हम लोग परब में, जन्म परब में नाचते हैं सब मिल के। और गेट के बाएं तरफ कुछ रूम है और दाहिने साइड है गैरेज, यहाँ पर साइकिल सब रखते हैं। इधर कुछ पौधा है फूल का, उधर है कुछ, और इधर से हम लोग जाएंगे पीछे। इधर लगल है लीची का पेड़ है, मुनगा पेड़, ये है पपीता का पेड़ यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग पीछे जाएंगे, पीछे जाने का भी रास्ता है। इधर है कुछ लीची का पेड़, उधर झूल रहा है, ये लोग खेल रहा है दोनों। यहाँ है कुसुम करंज का पेड़ है ये, और उधर देख सकते हैं लाइन लाइन से लीची का पेड़ लगा हुआ है। और इस तरफ कुछ रूम है, टूट जा रहा है, बहुत पुराना हो जा रहा है घर। तो यहाँ से अंदर भी रूम है, अंदर अभी रह रहे हैं, कोई रेंट में दिया हुआ है शायद। और इधर है प्रधानमंत्री वाला घर, जो अधूरा है, बना नहीं है अभी। तो दोस्तों, वहाँ से हम दिखाए थे इधर बगान तरफ आने का रास्ता, ई वाला जो घर है, प्रधानमंत्री जो दिए थे पैसा, उससे कंप्लीट तो नहीं हो पाया, आधा अधूरा है। यहाँ पर भी ना खपरा वाला घर था, जितना दूर पक्का वाला घर बना हुआ है ना, उतना दूर खपरा वाला घर था, और उसका सारा खपरा इधर रखा हुआ है, देख सकते हैं। सारा खपरा को निकाल के इधर रखा हुआ है पेड़ के नीचे, लीची का पेड़। और जैसे हम लोग अंदर आते हैं, इधर भी बाथरूम है, और उस तरफ भी वहाँ पर बाथरूम है। आगे जाके हम दिखाते हैं, यहाँ पर दिख रहा है वो बाथरूम, छेद दिख रहा है वो बाथरूम है। इधर भी बाथरूम और इधर भी बाथरूम, और यहाँ पर से हम लोग जाएंगे सीधे आंगन में निकलेगा रास्ता बीच से होते हुए। तो यहाँ पर भी बीच में छोटा सा आंगन है, ऊपर से धूप लगता है, देख सकते हैं। बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा घर है ना। इधर इधर गाय सब रहता था शायद पहले, बताते हैं अनुज के पापा, गाय सब रहता था यहाँ पर, खाने के लिए बना हुआ है। बहुत दिन हो जा रहा है घर का, तो बारिश आता है ना, तो हर साल थोड़ा 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 करके मतलब टूटते रहता है, तो ऐसे हो गया है घर का हाल। तो यहाँ से हम लोग अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या रूम है, सब देखते हैं। तो यहाँ से जैसे हम लोग घुसेंगे, यहाँ पर ढेकी है, यहीं पर हम लोग आते हैं चावल सब कूटने के लिए। अभी तो ऐसा है, कुछ काम नहीं है, इसलिए ऐसा तो सबके घर में रहता है। और इधर है आंगन, यहाँ पर बीच में, यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ पर पौधा सब लगा हुआ है फूल का, और इस तरफ से उधर जाएंगे तो किचन है। उधर भी बहुत सारा रूम था, सब टूट जा रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ पर बर्तन धोने के लिए कुछ बना हुआ है, बर्तन धोएंगे तो उसका पानी सीधे बाहर जाकर नाली 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 होते हुए आंगन में बना हुआ है नाली, यहाँ से सीधा बाहर। तो दोस्तों, नीचे से आंगन कुछ ऐसे दिखता है हम लोग का, बीच वाला, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे बना हुआ है। यहाँ से जाएंगे तो सीधे निकलेंगे हम लोग बाहर आंगन में, अभी चलते। इधर भी रूम है, इधर अभी हम नहीं घुसेंगे, बहुत अंधेरा है। इधर एक रूम है,
इधर से फिर इधर से होते हुए इधर हम लोग बाहर जाएंगे। यहाँ से उधर रूम था, इधर अंधेरा भी है, इधर नहीं जाएंगे। तो इधर बना हुआ है पक्का वाला घर। यहाँ से यहाँ पर गली, यहाँ पर भी बेड रखने के लिए है स्थान। यहाँ पर बैठक रूम, इधर से फिर इधर और है तीन चार रूम। यहाँ से उधर जाएंगे तो उधर भी रूम है। यहाँ पर डॉग। हेलो दोस्तों, यहाँ से सीधे बाहर। तो दोस्तों इधर वाला जो घर है ना, सब टूट जा रहा है, अभी रहने लायक नहीं है, इसलिए इधर नहीं रहते हैं कोई भी। रेंट के हिसाब से बना हुआ था शायद, पहले रहते भी थे। यहाँ घुसते हैं। उधर का सब टूट गया है, उधर भी किचन था, बहुत ज़्यादा रूम है इसमें, सब टूट गया। उधर उधर तो दूसरा का घर है। इधर से चलते हैं, इधर भी बहुत बहुत रूम था। यहाँ से चलते हैं। इधर का किनारे का दीवार टूट गया है, इधर का पूरा खपरा टूट जा रहा है। इधर से मतलब लाइन से बहुत सारा रूम था, इधर का मतलब किनारे का सब टूट जा रहा है। तो दोस्तों ये वाला घर ना बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। अभी कुछ कुछ रूम किनारे का टूट जा रहा है, और इतना ज़्यादा रूम था कि हमको पता नहीं है कितना, 30-35 रूम था होगा। अभी तो बहुत सारा टूट गया है, बहुत कम ही बाकी है। आज तक हम रूम कितना था गिनती नहीं किए हैं, अभी मतलब हिसाब करने से 30-35 हो ही जाता है, लेकिन हमको पता नहीं है कितना रूम था इसमें। बहुत सारा रूम अभी किनारे किनारे का टूट गया। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ड्रोन शूट करने के लिए, ऊपर से देखेंगे कैसा दिखता है घर। ऊपर से हम कभी नहीं देखे हैं, तो ऊपर से देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ऊपर हम चलते हैं ड्रोन शूट करने के लिए। गिरेगा नहीं ना? नहीं, डर लगता है, टूटेगा नहीं। हाँ कभी चढ़े गिर जाएगा तो डर लग रहा है, कोई पकड़ा नहीं है सीढ़ी को। नहीं गिरेगा बाबे, मेरे लिए ज्यादा भारी तो नहीं है सीढ़ी। नहीं, अब डर लग रहा है। नूपुर चढ़ जाती है, चढ़ती है। दो बाकी है और हमको डर लग रहा है। उतरने समय कैसे उतरेंगे, चढ़ तो जा रहे हैं, डर लग रहा है। अब वहाँ रखना चाहिए था, चढ़ जाएंगे। हाँ डर लग रहा है, और एक सीढ़ी खाली चाहिए चढ़ना, चढ़ने समय तो चढ़ जाए। तो दोस्तों ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है घर, ये ढलाई वाला घर है। और इधर से हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर ये खपरा वाला गोल 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 गोल, ये बीच वाला है आंगन, और इधर कुछ ऐसे दिखता है घर, और सामने का भाग नहीं दिख रहा है। उतरेंगे कैसे, अब डर लग रहा है, चढ़ने समय तो चढ़ गए। दूसरा रास्ता है उतरने का, वो पेड़ से है। पेड़ से? पेड़ से सकेंगे? हाँ देखते हैं। घोसर घोसर के उतरेंगे हम तो, एक तुरंत उतर जाते हैं। पेड़ से उतर जाएंगे। तो दोस्तों हम उतर गए, सीढ़ी से डर लगा तो हम पेड़ से उतर गए, पेड़ भी सटा हुआ है घर से। तो अभी हम चलते हैं बगान में, बगान में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा सा कुआं भी बना हुआ है, जो कि एकदम फ्रिज से भी ठंडा पानी हर रोज़ रहता है। अभी इधर एक अनार का पेड़ लगा हुआ है। अभी बगान खाली है क्योंकि गर्मी है, इसीलिए
यहाँ पर केला का पेड़, और यहाँ पर बना हुआ है पोल खुट्टा पानी खींचने के लिए, और कुआ में कुछ इस तरह से बना हुआ है। पानी बहुत नीचे चला गया है, अभी देख सकते हैं नीचे रिंग में गड्ढा। तो कुछ ऐसे पानी निकालते हैं बीच से, हम तो खुदे नहीं सकते पानी निकालने। और पीछे बागान में तरह तरह के फल का पेड़ है, उधर जामुन फला हुआ पेड़ में, तो जामुन तोड़ने में लगे हुए हैं बच्चे। इधर लीची का पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो बहुत पुराना है ये पेड़ सब। और घर उस तरफ है, और कुआं यहाँ पर केला के पेड़ के पास में, यहाँ पर। और इधर कुछ आम के पेड़ बड़े बड़े जो बहुत पुराना हो गए हैं, बांस का पेड़ उस तरफ। तो दोस्तों, यही प्यारा सा घर में अनुज के पापा का यानी कि मेरे हस्बैंड का बचपन गुजरा था। बाद में दूसरे वाले घर में रहते हैं, इसको यहाँ पर लीची बगान या पुराना घर से सब जानते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखता है मेन गेट के बाएं तरफ से घर। अच्छा, खपरा वाला घर में कितना रूम था? कुल खपरा वाला ये वाला घर में 32 को कि 33 को सब मिला के। हाँ, वो केवल भीतर भीतर हम लोग वाला, इधर रेंट रेंट का छोड़ के, रेंट वाला छोड़ के। तो आप लोग पहले से रेंट दे रहे थे सामने तरफ? हाँ, सामने में जो घर दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ चदरा देवल है, और पीछे मतलब दीवार गिर गया है, पूरा रहने लायक नहीं है सामने तरफ का। और बाकी तरफ खपरा से दिया हुआ है छत, और इसके जो दीवार है कच्चा ईंटा और मिट्टी से लगा हुआ है, इसलिए ना बहुत जल्दी गल गल के गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। और ज़मीन पक्का किया हुआ है, सीमेंटेड है। और यहाँ पर देख सकते हैं खिड़की है, ग्रिल से घुसते हैं जैसे, और इस तरफ दाहिने तरफ यहाँ से अंदर जाएंगे तो इधर भी कुछ रूम है। और इसका ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, बांस और लकड़ी सबसे खपरा को टिकाया गया है। और यहाँ पर कुछ कुर्सी रखा हुआ है, यहाँ से सीधे हम लोग जाएंगे, बीच वाला आंगन में निकलेंगे। यहाँ से बाएं तरफ देखते हैं तो इधर दो रूम ठीक है, और दो रूम के बाद उधर का रूम गिर गया है। तो यहाँ पर अभी मेरी ननद लोग रहती है, तो उधर हम नहीं घुस रहे हैं क्योंकि अंधेरा है, लाइट भी नहीं है अभी। तो यहाँ से सीधे जाएंगे सामने वाला जो दिख रहा है उसके उस तरफ, पक्का वाला घर बना हुआ है जो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था। तो यहाँ से सीधे आंगन निकलने का रास्ता है यहाँ पर। तो ये आसपास का कुछ कुछ रूम, बीच वाला जो भाग है सब ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पानी गिर रहा है अभी। और इधर से अंदर जाएंगे तो यहाँ पर किचन है एक, उसके बाद वाला रूम टूट गया है, तो उधर अभी हम नहीं घुस रहे हैं क्योंकि अंधेरा है। और यहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे तो आंगन, यही प्यारा सा आंगन में हम लोग कभी कभी आते हैं तो बैठते हैं। और अनुज के पापा, इनके चाचा सब बैठ के अपना मतलब पहले का कहानी हम लोग को सुनाते हैं, कैसे कैसे होता था, कैसे कैसे करते थे। हम लोग यहाँ पर बैठ के सब गप्पे शप्पे करते हैं। और ये आसपास चावल कूटने का देसी मशीन किसी के पास नहीं है, एकलौता यहीं पर है सिर्फ, तो हम लोग यहाँ पर कूटने आते हैं। और कोई कोई भी आते रहते हैं, जिसको ज़रूरत पड़ता है वो आ जाते हैं दिसंबर के महीना में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ तक आंगन दिख रहा है ना, आंगन को एकदम पत्थर से प्लेन कर दिए हैं, और पहले ही किए हैं इसको। और यहाँ पर जो दिख रहा है
सूखा सूखा पेड़ जो दिख रहा है, ये है कागज फूल का पेड़। इसको अभी ना छांट दिए इसलिए ऐसा दिख रहा है, कुछ दिन बाद ही फिर से हरा भरा हो जाएगा। हमेशा इसको काटते रहते हैं फिर से हरा भरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज चैनल में नए हैं तो ढेर सारा प्यार देकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।